हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 32 यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभ्यन्ते युद्धम् ईदृशम्। अनुवाद रे कहा जाउछि, हे पार्थ, जेऊं क्षत्रिय माने ए प्रकार धर्म युद्धर सुविधा पांति, अर्थात आपे आपे सेमानक पाखरे आसी युद्ध उपस्थित हुए एवं सेमाने सेमानक पई स्वर्गद्वार खोला करि दिए, सेमाने अत्यंत सुखी होई उठंती। हरे कृष्ण। यही श्लोक भाष्य दे आम परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज कहते, अर्जुन कहिले ए युद्ध रे किछ मु भल देखि पारु नाही, एहा नियत नरकवास ही देव। वर्तमान एठारे भगवान श्रीकृष्ण परम गुरु हिसाब से अर्जुन के ए प्रकार मनोवृत्ति को निंदा करूछन्ति। अर्जुन जे कथा कहिले एहा तांकर अज्ञता ही अटे, तांकर कर्तव्य संपादन रे अहिंसा आचरण करिबा को इच्छा व्यक्त कले, युद्ध क्षेत्र रे उपस्थित होई अहिंसा आचरण करिबा को इच्छा कले, बा युद्ध क्षेत्र रे जने क्षत्रिय युद्ध अहिंसा आचरण करिबो एहा मूर्खामी अटे। श्रील व्यासदेव पिता महामुनि पराशर पराशर स्मृति रे कहुछन्ति, क्षत्रियो हि प्रजारक्षण शस्त्र प्राणी प्रदंडयन निर्जते परसन्यादि क्षति धर्मण पाळयेत। क्षत्रियर धर्म हला समस्त प्रकार उपद्रवरु लोक मानक रक्षा करिबा एवं सेति जोंगु शांति श्रृंखला निमित्त आवश्यक क्षेत्र में हिंसा आचरण करने को होता है। सेतिपई शत्रु राजा मानकर सैन्य सामंत को जिणीबाकु पड़िबो एवं एही प्रकार से धर्मनिष्ठि रे प्रतिष्ठित होई से एही पृथ्वी को शासन करिबा उचित। सबु दिगरु विचार कले देखा जीव जे अर्जुन को पक्षरु युद्धरु विरत हेबार किछ कारण नाही, जदि तांकर शत्रु मानक ऊपर से विजय हासिल करंती तेबे से राजभोग्य करिवे, जदि से युद्धरे मृत्युवरण करंती ताहले से मध्य स्वर्ग लाभ करिवे। एथिपई द्वार उन्मुक्त होई रहिछि, जे कोनोसी दिगरु विचार कले भी युद्ध तांक पक्षरे कल्याण कर। श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप में गीता के सार अध्यायों में श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते यदिमि दृश्यम्। हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी है जिन्हें इस युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोले जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, जब वो कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जनक थे, वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्र प्राणी प्रदंडयन निर्जित्य परस्यन्यादि क्षति धर्मेण पाळयेत। पराशर मुनि कहते हैं, क्षत्रिय का धर्म है कि वो सभी क्लेश के नागरिकों को रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाने रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों का जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करते तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था, यदि वो शत्रुओं के जीतता है तो राज्य भोग करता और यदि युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, किसी के द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। दोनों ही तरह
युद्ध करने से उसे लाभ ही होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता आज इट इज चैप्टर 2 टेक्स्ट 32 ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभ्यन्ते युद्धमीश्वरम। ट्रांसलेशन। ओ पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रिय टू हुम सच फाइटिंग अपॉर्चुनिटी कम अनसॉट, ओपनिंग फॉर द डोर ऑफ हेवेनली प्लानेट। प्रॉपर्ड बाय श्रील प्रभुपाद। ए सुप्रीम टीचर ऑफ द वर्ल्ड लॉर्ड कृष्ण condemned the attitude of Arjuna, who said, I do not find any good in this fighting. It will cause perpetual habitation in hell. Such statement by Arjuna were due to ignorance only. He wanted to become nonviolent in the discharge of specific duty. For a kṣatriya to be in battlefield and to become non-violent is the philosophy of fools. In the Parāśara-smṛti, a religious code made by Parāśara, the great sage of father Vyāsadeva, it is stated, kṣatriyo hi praja rakhyan शास्त्र प्राणी प्रदंडयन निराज्यत परासन्यादि क्षेत्रिम धर्मेण पलायेत। द सेज द क्षेत्रीय ड्यूटी इज द प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज एंड फॉर दैट रीजन ही हैड टू अप्लाई वायलेंस इन सुइटेबल केसेस फॉर लॉ एंड ऑर्डर। Therefore, he has to conquer the soldier in inimical kings. And thus, with religious principle, he should rule over world. Considering all aspects, Arjuna had no reason to refrain from fighting. If he should conquer his enemies, he would enjoy the kingdom. And if he should die in battlefield, he would be elevated to heavenly planet, whose door were wide open to him. Fight would be for his benefit in either case. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please subscribe our channel and give your comments and like this verse and slope. Hare Krishna. Thank you very much. Please subscribe our YouTube channel and support us. Thank you.